ये देखिए सामने कुटाई हो रही है, और कुटाई जरूरी है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। तो भाई स्वागत है आप सबों का न्यू वीडियो में। आज डेट है जैसा कि 5 मई 2021। देखते हैं क्या है कंडीशन मार्केट का। तो देखते हैं क्या कंडीशन है आखिर मार्केट का न्यू गाइडलाइंस के बाद। सुनने में आ रहा है कि सख्ती से लागू किया गया है ये न्यू गाइडलाइंस। भैया पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है एकदम, तो गलती से भी घर से निकल मत जाना, नहीं तो जिला प्रशासन इस बार ठान लिया है, कमर कस लिया उन लोगों ने कि तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, पर होने ना देंगे तुमको कोरोना। ये देखिए सामने कुटाई हो रही है, और कुटाई जरूरी है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरा रास्ता छोड़ दिया। बहुत ही सख्ती से लागू किया गया है, इसका असर दिख रहा है। तो मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगा कि प्लीज घर से बाहर ना निकले अनावश्यक। प्रशासन को कोऑपरेट करें उनकी जिम्मेदारी निभाने में, और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करें। भैया कुटाई का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रही है, तो आप लोगों को बार बार वार्निंग दे रहा हूँ कि अनावश्यक ना ही निकले। लोगों के शरीर पर डंडे चल रहे हैं धड़ाधड़ एकदम। तो अगर आपको आवश्यकता नहीं है मार्केट में, कोई वैसा अर्जेंट नहीं है, तो प्लीज ना आइएगा मार्केट। नहीं तो आइएगा तो शरीर पे एक टेम्पररी टैटू बनवा के जाइएगा। टेम्पररी टैटू कहने का मतलब कि ये देखिए इन भाई साहब के हाथों में जो डंडे हैं उनका निशान जब आपके शरीर पे पड़ेंगे तो ये लगभग 5 से 6 दिन तक रहेंगे। तो इसी को हम अपने भाषा में टेम्पररी टैटू बोलते हैं, हालांकि हम लगवाए नहीं कभी और ना ही बनवाया। ओहो हो, और ये कुदरत का ऐसा सितम कि मौसम एक तो अच्छा था ही सही, ऊपर से बारिश भी होने लग गई। तो इस बारिश में भीग भी नहीं सकते हैं, कहीं साइड में चल के रुकते हैं।
सभी कार्यालय बंद रहेंगे। प्रतिष्ठान सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कॉमर्स एवं कुरियर सर्विस से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम इत्यादि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा दुकानें प्रातः 7 बजे से सर आपकी यहीं पे ड्यूटी लगी सर? और 2 घंटा 4 घंटा है। क्या नया गाइडलाइन सर कुछ बताएं, कौन कौन लोग सड़क पे आ जा सकते हैं? कोरोना लेके रहती है सड़क पे, अभी कौन कौन लोग आ सकते हैं या जा सकते हैं, मार्केट एरिया में कौन कौन आ सकते हैं सर? इमरजेंसी है, इलाज हॉस्पिटल चाहे मेडिकल का जो दवाई, यानी बहुत ही इमरजेंसी तभी आ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा वो घर से बाहर ना निकले, है ना? जैसा कि देख सकते हैं ये भाई साहब अभी जा रहे हो अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए, हमारे बिहार के कॉप्स, ये देखिए पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सड़क पे से किसी को भी जाने दिया जा रहा है, बिना जांच पड़ताल के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। अगर किसी को बहुत ही आवश्यक काम है तभी वो जा सकते हैं, मगर उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा नवादा मार्केट का हाल, तो प्लीज़ बार बार हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग जिला प्रशासन को कोऑपरेट कीजिए और अनावश्यक मार्केट ना ही निकले तो ज़्यादा बेटर होगा, और अपने घर पे ही मौसम का लुत्फ़ उठाइए। मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है, देखिए बारिश हो रही बहुत अच्छी, तो घर पे रहें, फैमिली के साथ रहें, उसी में आपकी भलाई और हम सबकी भलाई है। बारिश हो रही बहुत ही भयंकर वाली, और देख सकते हैं हम भीग गए हैं क्योंकि बारिश बहुत ही अच्छी खासी हो रही है तेज। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।